पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है। अजनाला में जो कुछ भी खालिस्तानी समर्थकों ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। खालिस्तानी समर्थकों ने सड़कों पर ऐसा आतंक मचाया कि मान सरकार को पंजाब में मदद के लिए केंद्र के पास जाना पड़ा। अब इसी सब हंगामे के बाद पंजाब सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अजनाला में हुई घटना को लेकर पंजाब पुलिस ने अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में अब पिछले दिनों अमृतपाल सिंह के 9 साथियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसी कड़ी में अब पंजाब पुलिस ने एक के बाद एक कदम उठाया है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबी गुरिंदर सिंह को डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि गुरिंदर सिंह देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था। ऐसे में देश छोड़ना उसके लिए वैसे भी मुश्किल था। पंजाब पुलिस ने बताया कि जब कुछ दिन पहले आदेश दिया गया कि अमृतपाल के 9 करीबियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, तो इसके बाद गुरिंदर सिंह ने लंदन भाग निकलने का प्लान बनाया, लेकिन गुरु रामदास एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। पंजाब पुलिस के इस एक्शन को अब अमृतपाल के लिए ये दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गुरिंदर सिंह को अमृतपाल सिंह का करीबी माना जाता है। ऐसे में गुरिंदर सिंह को डिटेन करना खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कसने की राह में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। VK News, राष्ट्र के नाम।